बहुत ही खास जो है फीचर जिसका नाम है बीट द स्ट्रीट, और आप यहां पर देखेंगे ये लिंक वैसे टिकट ऐप की जो है अवेलेबल है हमारे कमेंट में, पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन के अंदर में भी। तो दोस्तों यहां पर आप मार्केट को जो है यू नो प्रिडिक्ट कर सकते हैं, शो ऑफ योर स्टॉक पिकिंग स्किल्स एंड कम्पीट विद द इन्वेस्टर्स टू प्रिडिक्ट द मार्केट, विन अमेजोन वाउचर्स वर्थ डेली 3,000 रुपए तक के आप यहाँ पे जो है वाउचर्स अमेजोन के जीत सकते हैं। और ये कैसे काम करता है आइए दोस्तों इसको जानेंगे। तो आपको जाना है यहाँ पर और इस तरह की तस्वीर आपको दिखाई देगी दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें चैंपियंस के नाम दिए हैं, राज जी करके है जिन्होंने 13.04% जो है, यहाँ पर आपको कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, यहाँ पर बस लॉग इन करना है और एक कॉन्टेस्ट आपको जीतना है एंड आपको जो है ये अमेज़न के वाउचर्स आपको मिल जाएंगे। आपको अब टिक्स लेने हैं, यानी कि कुछ ऐसे स्टॉक्स बताने हैं जो ऊपर जा सकते हैं और कुछ ऐसे स्टॉक्स बनाते हैं जो नीचे जा सकते हैं। और अगर आप जो है यहाँ पर यू नो एक प्रकार से अच्छा प्रिडिक्शन करते हैं तो ऐसे केस के अंदर में आपको इनाम मिल सकता है। तो इस पर्टिकुलर कैंपेन का नाम है बीट द स्ट्रीक, शोकेस योर स्टॉक पिकिंग स्किल्स। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लॉग इन करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ रूल्स वगैरह दिए हैं कि आपको जो है ऐसे 5 स्टॉक्स उठाने हैं जो टॉप परफॉर्मेंस रहेंगे, देन उसके बाद में जो है डाउन परफॉर्मेंस वाले 5 स्टॉक्स लेने पड़ेंगे एंड यू कैन सिलेक्ट फ्रॉम द टॉप 500 कंपनीज, यानी कि कोई पेनी स्टॉक वगैरह जो है यू नो नहीं है, कंपनी बहुत छोटी सी है तो वो आप नहीं उठा सकते। देन उसके बाद सुबह 9 बजे तक आप सबमिशन कर सकते हैं इसके लिए फॉर द डे, एंड विनर्स फॉर द ईच सेगमेंट ऑन डेली बेसिस ऑफ एवरेज 1 डे रिटर्न ऑफ पिक स्टॉक जो है विनर्स लिया जाएगा हर सेगमेंट के अंदर में एवरेज 1 डे रिटर्न के हिसाब से, यानी कि ऐसा नहीं कि आप एक हफ्ते का जो है वहाँ पे बिट कर रहे हैं, आपको जो है एक दिन के हिसाब से जो है पैसा मिलेगा। विनर्स रिसीव द वाउचर्स थ्रू ईमेल में आपको मिल जाएगा, इन केस ऑफ टाई जिसका पहले जो है यू नो जिसने पहले एंट्री डाला था उसको पैसा मिल जाएगा। और आप देख सकते हैं टॉप 5 विनर्स को क्या मिलने वाला है, अदर्स विनर्स को क्या मिलने वाला है। दोस्तों हम सुनते हैं ना पेपर ट्रेडिंग करनी चाहिए, पेपर ट्रेडिंग करनी चाहिए आगे चल के जो है किस तरह का भाव आ सकता है एंड ऑल दैट यू नो, यहां पर आपको जो है चांस मिल सकता है कि यहां पर आप यू नो मार्केट भी सीखेंगे, उसकी हलचल भी आप सीखेंगे एंड आपको जो है वाउचर्स भी मिल सकते हैं। तो ये 3,000 रुपए कम नहीं होते हैं, अमेज़न का वाउचर्स है एंड इसके लिए आपको सिर्फ प्रिडिक्शन ही तो करना है। वैसे भी आप मनी कंट्रोल और बाकी सभी एप्स के अंदर में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं, तो बेटर है दोस्तों यहाँ पे पैसे कमाने का मौका आपको मिलता है। तो दोस्तों बस लॉग इन करना है इसके अंदर में, यहाँ पे मेरी लॉग इन आई डी पहले ही बनी हुई है, यहाँ पर मैं अपना ई मेल एड्रेस जो है नोट डाल देता हूँ और यहाँ पर मैंने डाल दिया अपना ई मेल एड्रेस, और क्योंकि मेरी पहले से लॉगिन आईडी बनी हुई है तो ये लोग जो है मेरे मेल एड्रेस पर इसको भेज देंगे एंड ये मेरा मेल एड्रेस खुल गया है। ओके सो यहाँ से दोस्तों मैं लॉग इन कर सकता हूँ एंड मैं यहाँ से पहुँच गया हूँ वापस टिकर टेप की वेबसाइट पर। तो आप देख सकते हैं कि ये वापस वही चीज़ पर आ गया, तो ब्रिंग इन ऑन मैं वापस से कर देता हूँ, यहाँ से मैं पहुँच जाऊँगा यू नो लेट्स गो। तो 4 जून 2020 के जो है टॉप परफॉर्मेंस स्टॉक्स में यहाँ पर जो है डाल रहा हूँ। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको जो है ये बोलूँगा नहीं कि मैं डालूंगा, तो ये आपको भी डालना है, आपको अपना कॉम्पिटिशन अलग से खेलने का है, ठीक है। तो ये मैं गलत भी हो सकता हूँ, ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन ऐसा कोई भी कॉल नहीं है। तो यहाँ पर मैं कि मार्केट बहुत पिट गया है उसके बाद में जो है मार्केट बहुत उछल रहा है तो ऐसे स्टॉक में डालता हूँ जो यू नो वापस से जो है कवर कर सकते हैं। देन उसके बाद में आज मैं एक एग्रो केमिकल कंपनी जो है एनालाइज कर रहा था उसको मैं डाल देता हूँ। देन उसके बाद में मैं बजाज फाइनेंस भी डाल देता हूँ बिकॉज ये बहुत पिटा है, बजाज फिनसर्व डाल देते हैं। चलिए आप अपनी मर्जी से कुछ भी डाल सकते हैं, यू कैन प्रिडिक्ट बाय योर ओन, ठीक है। देन उसके बाद में यस रिलायंस मेरे को लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा लग रहा है, रिलैक्सो फुटवेयर भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, मैं ये यहाँ डाल दिया, मैंने सबमिट कर दिया फॉर June 4th। तो ये हो गया दोस्तों सबमिशन। अब दोस्तों डाउन पुक में कौन से नीचे गिर सकते हैं, तो इसके लिए मैं एक आइडिया दे सकता हूँ आपको। आप BSE की वेबसाइट पे जाइए, रिजल्ट्स देखिए कौन कौन से रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो आप देखिए इनमें से कौन सी कंपनी यहाँ पे गिर सकती है। तो मुझे लग रहा है कुछ कुछ कंपनियाँ गिर सकती है यहाँ पर, तो ये इसमें बहुत सारी है। वैसे यहाँ पर देखिए आप ये देख सकते हैं DFL,
DFL जो है गिर सकता है, अगर मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि गिरेगा ही, तो DLF जो है ये गिर सकता है, मैंने यहाँ पे डाल दिया। मुझे लगता है इंडिया बुल्स वेंचर्स बड़ी खतरनाक कंपनी, मुझे पसंद नहीं है, तो ये भी जो है इसके अंदर में गिर सकती है। देन उसके बाद मुझे लगता है जी भी जो है कल गिर सकता है। सो इस तरह से मैं जो है और कुछ गिरे हुए स्टॉक्स के बारे में सोच लेता हूँ। मान लो कल मैं ये सोच रहा हूँ कि सिंटेक्स गिरेगा, ये मेरी कंपनी ऐसी है जिसके अंदर मैंने पैसे लगाया था, कभी जो है बहुत बहुत ज़्यादा जो है इसने मेरे को नुकसान पहुंचाया, तो सिंटेक्स है दिख नहीं रहा है, तो टॉप 500 कंपनीज में ही नहीं होगा। चले ठीक है, सन फार्मा डाल देते। देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गिरेगा ही गिरेगा, ठीक है, और मैं ऐसे इसको बेचने का रिकमेंडेशन भी नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। तो और कोई स्टॉक इसके अंदर में डाल देते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी थकेली कंपनी डाल देते, चलिए RBL डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैंने ये सबमिट कर दिया। तो टू थिंग्स हैव बीन सबमिटेड। अब देखेंगे दोस्तों कि नेक्स्ट गेम स्टार्ट होता है 8 घंटे 50 मिनट के बाद में, तो गेट रेडी फॉर इट। तो कल वापस से ये खेलेंगे और देखते हैं हमको इनाम आ पाता है कि नहीं आ पाता है। ऐसे इसके पहले मेरे को कभी इनाम लगा नहीं इसके अंदर में, मेरा रैंक कुछ थाउजेंड्स के अंदर में आता था। देखते हैं, आप भी प्ले करके देखिए, मुझे फीडबैक दीजिए कि आप जीतते हैं कि नहीं जीतते हैं। जब आप जीतेंगे तो मुझे पार्टी देना जो है मत भूलेगा। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह के और जो है टिकट टिप रिलेटेड वीडियोस में आपके लिए लाता रहूंगा। इसकी लिंक पर जाइए अभी के अभी जो है सबमिट कीजिए, और जो मैंने मेल आईडी आपको बताई थी शायद उस पर आप जो है बता भी सकते हैं कि आप जीते हैं कि नहीं जीते हैं, डिस्कस करेंगे आपके बारे में जो है आपका नाम लेकर। चलिए दोस्तों, बाय बाय।